थोड़ी सी सैड भी, सैड इसलिए क्योंकि मेरा हैप्पी स्ट्रीट का जो 12 वीक्स अलग अलग संडेज पे इवेंट चल रहा था वो आज लास्ट इवेंट था, तो थोड़ा दुख था. बट मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि राइट आफ्टर इवेंट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल प्लेस एंड वेदर इज रियली 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 अमेजिंग. मेरे साथ कौन है मैं दिखाना चाहूंगी. दिखाओ दिखाओ, आप पकड़ो. हाय फिर बोल थोड़ा सा अभी एंगल ऐसे ऐसे करने में नहीं मुझे अभी इतना आता है, बट मैं सीख जाऊंगी दोनों वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर के साथ रह के. तो अभी तक मुझे बहुत बोर कर रहे थे ये लोग, सो आई थॉट लेट्स बिगिन विद द व्लॉग थिंग क्योंकि इनके इनके गप्पे चल रहे हैं एंड आई एम गेटिंग बोर्ड. सो अभी मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करने वाली हूँ एंड आगे क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं विल शो यू गाइस. सो वी आर नाउ एट लोनावला एंड हमें लगा था कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे. मैं तो इसलिए यार इतने जल्दी आ गए, बट यहाँ पे जो ट्रैफिक है रोड की वजह से कपल मुझे लेट आ रहा है. आशिक कपल सिंगल लाइफ, आशिक कपल नाही ते मगाशी पुढे गेले होते, तसे कपल मुझे लेट होता कारण लगे ट्रैफिक जाम करते. सिंगल लोगों का दर्द यू नो, कपल लोगों को देख के लुक एट द ट्रैफिक. बाजूची ताई का भरली ती चिडली आमच्याकडे बघून का. आशीष इज बिजी, आशीष इज ऑलवेज बिजी, ऑलवेज बिजी. और वो बिजी नहीं रहा तो भी वो व्लॉग में नहीं आएगा, इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आप आ रहे हो पर शिवा गलती है, शिवा गलती है अभी. हलकट इज नॉट अ गाली गाइस, प्लीज है गाली प्लीज कमेंट मध्ये सांगा शिवा कोणता कोण झाला ओपन झाला ओपन झाला. हलकट गाली होती है या नहीं मुझे बताइए कमेंट करके, मैं भूल ही जाती हूं ये सारी. बेबी दाखो, हां बेबी दाखो, हां बाजूला आओ. किती मस्त एन्जॉय करता तो वैताग लाय तो ट्रैफिक ना. व्यू देखने के लिए रुक रहे हैं, लेट मी शो. व्यू इज वेरी पीसफुल बट ये क्या है इंसान यार. फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर अपनी ड्यूटी पे शुरू हो जाते हैं. माझ्या बर्थडे साठी एंटरटेनमेंट गाइज, ये लोग मुझे क्यों लेके आए पता है, इनके सामान और ये सब पकड़ने के लिए है ना. दिस इज द सेकेंड पॉइंट, फिर से ये लोग रुक गए हैं. मुझे लग रहा है यहाँ पे बस रुक 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 के ये लोग आगे लेके जाने वाले. मुझे बहुत जोर से सुसु भी आई है, भूख भी लगी है, बट दिस गाइज एनीवेज व्यू तो अच्छा है, बट धूप क्यों है, धूप नहीं होनी चाहिए. और मैं चश्मा मोस्ट ऑफ द टाइम आंखों पे नहीं बालों पे लगाती हूँ, मतलब आई हैव द हैबिट, आई डोंट नो व्हाई. एंड स्टिल अभी तक मुझे पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, द प्लेस और क्या क्या घूमने वाले कुछ भी नहीं. इन लोगों के साथ कहीं पे भी जाओ आपको कुछ पता नहीं होता, बस निकल पड़ो बैग लेके ऐसी वाली. और वो भी इतनी मुश्किल से हम लोगों को एक रेस्टोरेंट ढाबा व्हाटएवर वी कॉल वो मिला हुआ है. फ्रॉड वाला फ्रॉड, फ्रॉड वाला फ्रॉड. वो भी पी तो बसले होते, आम्ही मसाला पापड़ खात बसलो, पाणी नव्हतं पीत. मध्ये एकदा झालं होतं. और हम आ गए हैं नदी किनारे, नदी किनारे हम आ गए हैं. मस्त स्टॉप थ्री, मतलब दूर से काफी अच्छा लग रहा था, अच्छा है टू बी ऑनेस्ट, बट आई डोंट नो. यहाँ पे हर जगह पानी देख के लोग उसको नहाना घर की बना देते हैं, मतलब हर जगह नहाना जरूरी है.
सिनेमॅटिक व्ह्यू. कुछ देर पहले मैं यहाँ पे थी, अब हमने मॉडल चेंज कर दिया क्योंकि एक ही कपड़े में हम कितने फोटो लिए. और एज यूजुअल लोगों ने यहाँ पे जो कपड़े वपड़े धो के सुखाए हुए हैं, स्विमिंग पूल भी बन चुका है. क्या बात है, आई थिंक दिस पीपल आर यहाँ पे लोकल. इट्स ऑलमोस्ट 5 और अभी तक हम हमारे लोकेशन पे पहुँचे नहीं है क्योंकि थोड़ा रास्ता भटक गए थे एंड एक्सप्लोर करते करते भी ऑलरेडी गॉट लेट. इतनी गर्मी है यहाँ पे, यू कैन सी इट. कब कब पहुँच रहे हैं हम? कुठे चला तो बाहर है, इधर गर्मी हो रही है. मेरे को इतनी बापरे क्या हालत खराब हो चुका है. सो थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद और फ़ोन में रेंज ढूंढने के बाद आशीष ने फाइनली एड्रेस लोकेशन ढूंढी निकाला. सो जिस होटल में, जिस विला में हम लोग गए थे, उसका नाम है एनी महल द फॉरेस्ट विला. इट्स इन करजत, जो पुणे से 115-120 किलोमीटर की दूरी पे है. ये ज़्यादा अंदर भी नहीं है, बट ऑफकोर्स थोड़े से रास्ते यहाँ पे कच्चे हैं बिकॉज फॉरेस्ट वाली फील भी आपको आनी चाहिए. सो दिस वॉज द विला जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था. इट्स अ प्राइवेट विला जहाँ पर आप आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, आपके लव्ड वन के साथ आ सकते हो. अगर ग्रुप में आओगे तो ही यहाँ पे ज़्यादा फन कर पाओगे बिकॉज़ वी हैव द लॉन जहाँ पे आप बहुत सारे आउटडोर गेम्स इंजॉय कर सकते हो. फिर यहाँ पर टेरेस है, ऊपर भी कुछ एक्टिविटीज़ है, लाइक काइंड ऑफ अ स्मॉल पूल है. और यहाँ पर अनिरुद्ध बोल रहा था कि उससे प्यार से एनी बुलाते हैं तो उसका महल है ये. सो आई सेड ओके. सो दिस वॉज द महल जहाँ पर हम रुके थे, एनी महल फॉरेस्ट विला इन करजत. यू कैन सी द हॉल इज़ वेरी स्पेशियस एंड रूम्स आर ऑल्सो, बट इट गिव्स यू होमली फीलिंग. तो हमने यहाँ पर बहुत सारा चिल किया था, रिलैक्स किया था, मज़ा किया था. एंड ओके, सो दे हैव 4 रूम्स, जो नीचे 2 बेडरूम हैं और ऊपर 2 बेडरूम हैं. द रूम्स आर क्वाइट गुड, मतलब बहुत बेसिक सिंपल सा आपको स्टे के लिए यहाँ पे बेडरूम्स मिल जाएगा. वॉशरूम इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड. ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लग्जरी है या बहुत सारा ज़्यादा नॉर्मल है. इट्स लाइक चल बस मैं नहीं भाग सकती अब गाइस. फाइनली टुक बाथ, अभी थोड़ा रिलीफ लग रहा है बट नींद आ रही है. और व्यू मैंने ऑलरेडी दिखा दिया. हम कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी के शूट्स लेंगे, फिर डिनर करेंगे और सो जाएंगे क्योंकि मुझ में और हिम्मत नहीं बची है. सो गया पिज़्ज़ा. तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा. जब से आई हूँ मेरा फ़ोन. बाय द वे मैंने चेंज कर लिया, पहले वाइट पहना था और आशीष ने बोला कि सब चीज़ वाइट वाइट है तो वाइट नहीं. फिर मेरे पास दूसरा शर्ट ग्रीन कलर का था तो मैंने बोला फिर से ये लोग बोलेंगे कि ग्रीन और ग्रीन. सो आई थॉट लेट्स वेयर द पिंक वन. लो बैटरी अभी बहुत, मतलब आशीष और अनिरुद्ध ऐसे पर्सन है जो कैमरा को देख के इतने शर्माते हैं. इसमें नहीं है फेस आईडी पिन. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. एक्चुअली इट्स अ पीसफुल प्लेस. देन यहाँ से यू हैव अ व्यू. टेरेस से ज़्यादा बेटर लगता है. आशीष करना ज़ेब्रा पर्स कौन है जी? मेरी तो नहीं है. आईफोन को हाथ से ले आता है ना. मी ठेवते ना आधी
ऑलराइट अपन कुठे चाललोय आपण कुठे चाललोय कुठल्या तरी खाणेको मम्मम करायचं छी काय काय कर मम्मम कुणाच्या तर फोनवरती मी फोटो काढला होता धाब्याचा ऍड्रेस माझा फोन नव्हता तिथे अभी हम खाना खाने जा रहे हैं आई थिंक यहां पे 8 बजे सब बंद हो जाता है ना हां स्मॉल टाउन प्रॉब्लम खर्जत खर्जत तभी हम जाएंगे खाना खाने बहुत भूख तो नहीं लगी बट वी आर लाइक की खा लेते हैं लुना हां लुना वाला दो अपन चलो रात्रि 12 पर्यंत मैगी खा के आएंगे ते बघ खाली बघ काय ए खाली ऑलराइट गाइज ये दोनों मेरे साथ चैलेंज लगा रहे हैं कि कौन अच्छा कैरम खेलेगा और मैं इनको मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ मैं इतना अच्छा खेलती हूँ कि मैं क्या बताऊँ मेकअप ये पाउडर है ना इसमें डालने वाला बचपन में खेलती थी यार चलो लेट्स सी चैलेंज ये देखिए बूम हाँ गाइस यहाँ पे किचन भी है और मैं कब से इनको बोल रही हूँ कि चाय बना दो पर ये लोग है कि आलसी यू नो मुझे ही बोल रहे हैं सब काम मुझसे ही करवाते हैं ये लोग बैग पकड़ कैमरा पकड़ एनीवेज छोटी बच्ची मैं And me in my favorite t-shirt. देखो गाइज मैंने बॉयज को काम पे लगा दिया सॉरी देखो मैंने ये बॉयज को काम पे लगा दिया जल्दी जल्दी काम करो यार सोना भी है two minutes before my work. चलो three. Two, one, in. Yeah. मैं बस यही करूंगी इट्स माय टर्न क्या चाह रहा तू आ तो उल्टा कैसे आएगा नो नॉट लग बंद बंद बाय गाइस करना का जी माझा केलेवर तो नहीं दिसना रे तुझे सलाह कर रहे थे अहो तुमच्या फॅमिली खेळवलीला किधर मारू सॉरी पैर लग गया मी मला उंदीर आठवला वन टू छ छ छ जे ठेवायचं होतं ना चल चल ए नाही ए नाही ए नाही तब नाही था मेरे पास इसके लिए अभी ले लूंगी फिर ये मेरा है तुझे क्या फैमिली भी किसी को टॉलरेट कर लेती है टॉलरेट कर लेगी आपकी भी कर लेगी ना और आपकी नहीं करेगी मैं नहीं करी भाव से यस तो ये ना पटकन पर्सन जिसके हाथ में कैमरा होता है और सबको शूट करता रहता है ही डजंट लाइक टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड एक बज के जा चुके हैं हमने पिक्चर भी खत्म कर ली वन 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 इट्स लकी साइन बाय द वे ऐसे बोला जाता है शट अप वेरी गुड मॉर्निंग यू गाइज ऐसे बोलने का मन कर रहा है क्योंकि 6 बजे हैं और 6 बजे हमें उठा दिया गया है यहाँ पे लिटरली रात के 2 बजे सोए 6 बजे उठे मेरा आवाज बारिश 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 कल रात को इन्होंने इतना परेशान किया कि लाला इधर देख के वो मैंने इनको परेशान किया
इट्स 8 इन द मॉर्निंग एंड थोड़ा शूट एंड ऑल करके हमारा हो चुका है. अभी हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन इन दोनों को ऑफिस जाना है, तो मुझे जल्दी से घर पे भगाने वाले हैं. घर पे मतलब जहाँ पे मैंने मेरी गाड़ी पार्क की है वहाँ पे छोड़ने वाले हैं, है ना. उतर जल्दी, निकल जाए, ऐसे करेंगे लोग. नहीं ऐसे करोगे ना सालू, गाड़ी इतना धक्का देना था तुला. सालू गाड़ी इतना धक्का किती छान वाटत ना कालपासून. हा अरे तिकडे तर मध्ये ते हे पण नाहीये, दगड पण नाही दिसत आहे. जाते वक्त ट्रैफिक लोनावला में, आते वक्त ट्रैफिक पुणे में. और होता ही आज मंडे है ना, पर ऑफिस जाओ ना, यहाँ से कहाँ जा रहे हो आप लोग. फाइनली रीच्ड होम, मतलब घर के पार्किंग के नीचे हूँ और इतनी बारिश आने लगी अचानक, तो मैंने बीच में शूट बंद कर दिया और घर चली आई. ऑलमोस्ट भीग चुकी हूँ मैं, बस बाल छोड़ के बाकी सब गीला हो गया. एंड एंड ऑफ द ट्रिप बोलते हुए हमेशा दुख होता है. इट वॉज वेरी लाइक मच नीडेड इन डेड पीसफुल वन डे ट्रिप टू करजत विद टू ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ माइन. बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. आई होप आपने भी ये व्लॉग देख कर इन्जॉय किया होगा. अगर किया है तो कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड आई एम ट्राइंग कि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आगे लेके आऊँ, थोड़ा सा उस पर स्टडी करूँ. होपफुली आई विल डू इट सून. सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल.